देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी नूं पंजाब च फेरा पाउणगे अते इस मौके ओह पंजाब दे लई कई वड्डे ऐलान भी कर सकदे ने। मोदी दी फेरी ते हुण पंजाब दी सियासत पखदी हुई नजर आ रही है। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने कहा कि 750 तो वध जाना जान तो बाद खेती कानून वापस लैण वाले प्रधानमंत्री मोदी ते पंजाबियां नूं बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मोदी सिर्फ लोकां नूं बेवकूफ बनाउण दे लई आ रहे ने। बीजेपी लगातार प्रेशर पाके अते गवर्नर दे राही चालां चलन दी कोशिश कर रही है, पर पंजाबी इन्हां चालां नूं कदे भी कामयाब नहीं होण देणगे। मैनू ये नहीं पता इतिहासिक होगी की होएगा, लेकिन पंजाब दे लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नूं नहीं मनदे और पंजाब दे लोगां दा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो मोह भंग हो चुका है। पंजाब दे लोगां दियां 750 तो वध जाना जान तो बाद अज प्राइम मिनिस्टर आ रहे ने फिरोजपुर च केवल वोटां दे चक्कर दे विच लोगों को बेवकूफ़ बनाने वास्ते। उन्हां दा एक काम है, पूरे देश भर दे विच उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 750 जाना गईयां ते फिर काले कानून वापस ले गए। लोग ये जानते हैं वो 750 लोगों की शहादत मैं समझदा हैं लोग कदे भुलणगे नहीं, पंजाब के लोग, खास करके पंजाब के लोग। और अगर कोई पंजाबी है जिन्हें पंजाब की धरती ते जन्म लिया, जिहड़ा पंजाब की धरती नूं प्यार करदा है, जिहड़ा पंजाब जिहदे विच पंजाबीयत दा खून है, वह नरेंद्र मोदी की रैली च ते नरेंद्र मोदी जी नूं भाजपा नूं कदे वोट नहीं पाएगा। पक्के मुलाजम करन वाले ने पहला सी गवर्नर ने वापस भेज दिया, कहिंदा त्रुटी है इहदे विच, पर तुसीं कह रहे सी गवर्नर सही काम नहीं कर रहा है। सो मैं उही तुहानूं कह रहा हां, जो असीं कह रहे सी उह तां गवर्नर ने मोहर लाती। गवर्नर नूं मैं कहा जी जिहड़ियां दूजियां फाइलां रोज़ कढ रहा उहदे चों, उहदे च तां त्रुटियां नहीं लाउंदा, क्योंकि गवर्नर साहब नूं इह गल पता है कि अगर 36,000 पंजाब दे मुलाजमां नूं मैं पक्का कर दिता तो ये सारे दे सारे दे परिवारों की वोट है जिहड़ी वो कांग्रेस नूं पै जाएगी। इहो जिहियां जिहड़ियां चलाकियां, इहो जिहियां स्कीम्स ये बीजेपी सरकार अक्सर ही जिथे चुनाव हुंदे है, चाहे वह बंगाल च होए, चाहे राजस्थान च होए, चाहे मध्य प्रदेश च होए, उत्थे इहो जिहियां स्कीमां रचदी रहिंदी है। लेकिन लोगों नूं इस गल का पता है बीजेपी जिन्नियां मर्जी स्कीम्स रच ले कामयाब नहीं। पार्टी के प्रधान के खिलाफ आए दिन बयानबाजी शुरू हुई है, पिछले दिन गुरजीत राणा गुरजीत ने बयानबाजी की, कुछ गलत कर रहे प्रधान। सो मैं केवल कांग्रेसियों नूं एक बेनती करनी, कांग्रेसियों नूं एक ही बेनती करनी चाहना है, कृपा करके ये बयानबाजी अपने घर तक रखो। मतभेद होंदे ने, मतभेद हैगे ने, हर परिवार च होंदे ने, हर पार्टी च होंदे ने, पंज जी जिस घर रेंदे उहदे च वी होंदे ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अतैशी वह है जिहड़ा पब्लिक फोरम ते आके किसे तरीके की कोई बयानबाजी ना करे, चाहे वह सिद्धू साहब ने, चाहे वह CM साहब ने, चाहे वह होम मिनिस्टर ने, तो चाहे कोई मंत्री ते कोई MLA। बलविंदर लाडी फिर दोबारा कांग्रेस आ गए, की हो रहा है सुबह होर पासे? लाडी जाना ही नहीं चाहुंदा सी भाई, इट्स अ प्रेशर, जान बुझ के लोगों के प्रेशर पाया जा रहा है। किवें जा सकता 750 लोगों की शहादत तो बाद लाडी साडा सी, साडे नाल है, इस करके वो वापस आ गया। जितों तक फतेह बाजवा जी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने तय करता सी कि एक परिवार एक टिकट। सो इस करके जिहड़ी इस वारी दी MLA दी चोण है, प्रताप सिंह बाजवा लड़ रहे ने, उन्हां नूं इह लग्गिया कि मैनूं टिकट नहीं देणगे, इस करके उह चले गए। पहली लिस्ट कदों आ रही कांग्रेस? लिस्टां साडियां सारियां तैयार है, जिद्दे कोड लग जाएगा सारियां लिस्टां अनाउंस कर देंगे। थोड़ा ख्याल है कि पहली लिस्ट दा तुहानूं पता ही है, 80 साडे MLA जिते हुए ने, बिल्कुल चेंज, मैं कहा चेंजेस होनियां नहीं है। राजा वड़िंगे बेनती करता कांग्रेस हाई कमांड कि जेड़े लीडर साहबान बेशक वो मंत्री है, बेशक वो MLA है, जेड़े जित नहीं रहे आपके इलाकों, उन्होंने बदल देना चाहिए, उन्होंने पार्टी के होर किसी काम से लाना चाहिए।